पांचवें चरण का जो है चुनाव भी होने वाला है और हम इस समय मौजूद हैं प्रतापगढ़ में बसपा की कार्यालय के सामने जस्ट, और बसपाई काफ़ी दिख रहे हैं, क्या माहौल है इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से लगातार चुनावी युद्ध हो रहा है यहाँ पे, जनसत्ता दल और बसपा का जो है युद्ध दिख रहा है, समाजवादी पार्टी बाहर है, क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए। सुशील गौतम एडवोकेट जी का यहाँ बहुत बढ़िया माहौल है और हमें लगा कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए हम विधानसभा दूसरे विधानसभा होते हुए हम इस विधानसभा में चले आए। विधानसभा से हम विश्वनाथगंज विधानसभा से हैं और वहाँ पे यहाँ की लहर गई वहाँ तक दूसरे विधानसभा में, तब वहाँ से हम भागते हुए यहाँ पर आए। हमने कहा इतना बढ़िया माहौल है कि उन्हें हम लोग भी थोड़ा सा योगदान दे दें। सुशील भैया का जो यहाँ पर वोट शेयर हो रहा है, जो वोट मिल रहा है, सब समाज का मिल रहा है और 101% यहाँ की जनता जो है इनको वोट देगी और इनको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। पिछली बार मैं एक ने बताया था, पिछली बार जो विधायक जीतते थे वो जो है दो फाड़ हो गया, उसमें जो वोट उनको मिलता था वो दो फाड़ में बढ़ गया। 25 साल से जो है सरोज जो विधायक हैं, किस समीकरण से आप उनको हराएंगे? उनको वेरी सिंपल समीकरण है, उमान 5,000 या 6,000 वोट से जीते थे, हमको नया वोट उनका लेना ही नहीं। वो अगर उतना वोट पा जाते हैं तो उनका खुदा वोट खत्म हो जाएगा, जो 6,000 वोट जीते थे वो उनका आधा हो जाएगा, आधा जथन तब जा जाएगा, आधा सभम जा जाएगा, और दोनों पहले एक में मिलता था, और मुझे मेरा पूरा वोट है प्लस और समाज का भी हमें वोट मिल जाएगा, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा हूँ और मेरा कैंडिडेट यहाँ से जीत जाएगा। क्या डर नहीं लगता आप दूसरे विधानसभा से आए, यहाँ राजा का दबदबा है? बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं हम भाई साहब, बहुजन समाज पार्टी वाले जो है डरते नहीं है। हम तो वो सत्ता देखे हैं बहन जी का, जो अच्छे अच्छे को जो है घर के अंदर लॉक कर दिया गया, गुंडे डर के भागते हैं, दरवाजा खोल के बाहर नहीं आते हैं। बहुजन समाज पार्टी गुंडों से नहीं डरती है, गुंडों को जेल भेजते हैं। आपने पिछले बहुजन समाज की पार्टी में 2007 में आपने देखा होगा जिस तरीके किसको निशाना कर रहे हैं, किसको निशाना कर रहे हैं? असमतावादी लोग, जो लोगों का हक और अधिकार छीनते हो, जो लोगों का हक और अधिकार छीनते हो, मैं उनकी ओर इशारा करता हूँ। जो समतावादी सोच रखता है, मैं वो मेरा भाई है, वो कोई भी हो सकता है। जिनके अंदर समाज के खिलाफ, जिनके अंदर नफरत भरी हो, संविधान के खिलाफ जो हो, समाज के खिलाफ जो हो, वो हमारा दुश्मन है। बाकी व्यक्तिगत मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। हमारे साथ में आप लोग आइए, सब समाज का मिल करके बहुजन समाज की सरकार बनाते हैं और पुनः 2007 की तरह पूर्ण बहुमत में बहुजन समाज की सत्ता यहाँ बनवाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका, आगे आइए। हमारा नाम विकास कुमार गौतम एडवोकेट है, हम सुशील भाई के प्रचार में आए हुए हैं और सुशील भाई के प्रचार में समीकरण के अनुसार सुशील भाई बाबागंज विधानसभा से अच्छी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। और चुनाव इसलिए जीत रहे हैं, जब यहाँ पे पिछली बार विधानसभा का आम चुनाव हुआ था तो जो विरोधी दल के नेता हैं, जो पहले चुनाव लड़े थे, वो एक वोट किसी अन्य पार्टी से रहते थे, इसलिए वो भारी वोट से जीतते थे। लेकिन इस बार जो दल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो यहाँ उनका दबदबा माना जाता है, यहाँ पे अब की उनका मोल जो वोट है, जो सरोज बिरादरी का वोट है, वो वोट चार भाग में जा रहा है। वो इसलिए चार भाग में जा रहा है कि यहाँ सरोज बिरादरी से कई कैंडिडेट हैं और सुशील गौतम केवल इकलौता कैंडिडेट हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से हैं। सुशील गौतम का जो कैडराइज वोट है वो पूरा मिल रहा है, प्लस यहाँ ब्राह्मण समाज का, सरोज समाज का भी वोट भरपूर मिल रहा है, इसलिए सुशील गौतम यहाँ से चुनाव जीतने के फुल स्थिति में है। और सुशील गौतम जी यहाँ बाबागंज से चुनाव जीतेंगे। जो पिछली बार विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी जब यहाँ चुनाव हारी थी तो मात्र 6,000 वोट से चुनाव यहाँ पर हारी थी, वो वोट अब की बाबागंज से सुशील भाई को पूर्ण रूप से मिल रहा है। सुशील गौतम जी यहाँ से चुनाव जीतने की स्थिति में आ गए हैं। मीडिया तो बसपा को दिखाती नहीं, कहते कि बसपा टक्कर में ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि बहन जी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहले तो किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 403 सीटों पर चुनाव लड़े, तो बहन जी नंबर एक पर वैसे ही चुनाव लड़ रही हैं और नंबर एक की पार्टी बन करके उभरेगी। बहन जी की जो बसपा है पार्टी, वो नंबर एक की पार्टी बन करके उभरने जा रही है। कहाँ से हैं आप, क्या नाम? हमारा नाम धर्मवीर गौतम है और हम बाबागंज से हैं। माहौल क्या लगता है आपको? माहौल बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, आप खुद ही देख रहे हैं, गली कुचे हर जगह जा रहे हैं। और सुशील भैया का माहौल, मतलब बहुजन समाज पार्टी का एक तरफा माहौल, क्योंकि आप देखते थे हर बार सपा जनसत्ता एक थे और एक होकर लड़ते थे तो उससे उनको बेनिफिट मिलता था, बट इस बार अलग अलग हैं।
तो वो वोट तो वैसे ही दो भाग में हो गया, तो हमारा वोट तो पहले से ही फिक्स है, वो मिला और हर समाज का हमें सम्मान मिल रहा है, ब्राह्मण समाज, सरोज समाज, मतलब हर समाज का हमें साथ मिल रहा है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे वोट से यहाँ से सुशील भैया जीत रहे हैं। आपकी सब हमारी तरफ है। क्या कह रहे हैं? आपकी सब हमारी तरफ है, वो अकेले हैं। मीडिया तो कहती है ब्राह्मण समाज कहीं नहीं जाएगा, अब मीडिया भी कहने लगी है। मीडिया कभी भी सत्य बोली ही नहीं है, बिकाऊ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मीडिया क्या कह रहे हैं, गोदी मीडिया, सब गोदी मीडिया। कैसे कह सकते हैं, किस बेस पे? इसलिए कि कोई भी मीडिया आप देख लोगे तो बहन जी का कहीं दिखाएंगी नहीं, जो डिजिटल मीडिया सारी मीडिया बिकी हुई है, सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटीज उसी में सब बहन जी को दिखाते हैं, बाकी कहीं दिखाते नहीं है। योगी जी से कहा है नाराज भैया इतना? योगी जी से नाराज क्या, योगी जी ने आज तक 5 साल में किया क्या है? लोगों को बेरोजगार बना दिया है, शिक्षा का स्तर गिरा दिया है, सारे समाज में जो है जातिवादता पैदा कर दिया है योगी जी ने। अब योगी जी अगर अब की बार आएंगे तो क्या करेंगे? अब की बार तो पूरे देश को बेच देंगे, पूरे देश को नीलामी कर देंगे। अरे आप लोग मंदिर बनवा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, क्या चाहिए? अरे भाई आप बताइए, मंदिर जो है, मंदिर मस्जिद किसको देता है भाई पेट भरने के लिए? आदमी को रोजगार चाहिए, ठीक है? अब आप देख रहे हो कि 5 किलो राशन दे करके 5 क्विंटल चरा लिया जा रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो मोदी जी पहले ये बात सोचे, योगी जी ये बात सोचे, जो गांव का नागरिक है, जो मूल निवासी है, उसका क्या हाल होता होगा? क्या 5 किलो में वो पूरा महीना चला लेगा? मुझे तो नहीं लगता चला लेगा। अगर चला लेता एक दिन योगी जी को बोल दीजिए वो आके रहे और 5 किलो में चला के दिखाएं, तब पता चलेगा योगी जी को कि क्या क्षमता होती है। ठीक है, अधिकतर भाजपा के रोगी जो दलित पिछड़े वर्ग है ना, यही सब कुचले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मानववादी सोच है उनकी, कि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग है, उनको अशिक्षित बना दिया जाए ताकि वो कभी बोल ना पा सके। इधर हम लोग जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पे थे और जो है इधर पता चला है कि जो है बहुजन समाज पार्टी भारी मतों से जीत रही है। इधर प्रत्याशी बीएसपी के सुशील गौतम जी हैं, भारी मतों से विजयी करेंगे।